देखेंगे संविधान की 12 अनुसूची बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान में जो 12 अनुसूची है वो कैसे और क्या बताती है और उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है संविधान के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयत्न करेंगे। चलिए आइए समझते हैं। प्रथम अनुसूची, इसमें भारत संघ के घटक राज्यों 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। जैसा कि पहले कुछ दिन पहले हम जानते थे इसी सब्जेक्ट में प्रथम अनुसूची में लिखा हुआ था, इसमें भारत संघ के घटक राज्यों 29 राज्यों एवं 9 की जगह 7 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। तो इससे क्या जानकारी मिलती है कि जो वर्तमान कंडीशन में वर्तमान समय में भारत के अंदर में जितने राज्य और केंद्र शासित राज्य होंगे उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक बात गौर करेंगे कि भारत संघ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है प्रश्न में कि भारत संघ है और ऑप्शन में आपके कुछ भी रह सकते हैं तो उसमें आपको संघ वाले ऑप्शन को ही देना है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मिलकर बना है और कभी भी स्वच्छ रूप से कोई राज्य अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है। भारत जो है एक संघ राज्य है, तो संघ राज्य कहने का मतलब भारत एक यूनियन पूरे रूप से बने हुए राज्यों का एक समूह है, तो ये ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि 69th अमेंडमेंट संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को NCT राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा ये मिला हुआ है 69th अमेंडमेंट संविधान के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। सेकेंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। तीसरा है 5 अगस्त 2019 से 28 राज्य 9 केंद्र शासित बना। अगर ये प्रश्न रहे कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश कब से अस्तित्व में आया, इसका आंसर होगा 5 अगस्त 2019। द्वितीय अनुसूची के बारे में ध्यान से देखेंगे, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों राष्ट्रपति राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष राज्यसभा के सभापति उपसभापति विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष विधान परिषद उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तो नृत्य को बहुत ही आसानी से आप याद रखेंगे कि इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का इसमें जिक्र किया गया है। तृतीय अनुसूची में क्या है ये ध्यान से देखेंगे, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। पहले में हमने क्या पढ़ा, पहले में हमने पढ़ा कि भारत एक संघ है जिसमें कि उसके घटक राज्य 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ये हमने पढ़ा। द्वितीय अनुसूची में हमने क्या पढ़ा, द्वितीय अनुसूची में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से भारतीय राज्य व्यवस्था में जो विभिन्न पदाधिकारी है उनके वेतन एवं भत्ते और अन्य सुविधाएं उनको किस प्रकार से दी जाती है। तृतीय में हम पढ़ रहे हैं इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा शपथ ग्रहण, तो पहले में भारत एक संघ है, दूसरे में आपका है कि वेतन एवं भत्ते, तीसरे में शपथ ग्रहण से संबंधित है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है, जैसे एग्जाम्पल प्रधानमंत्री उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि। चतुर्थ में ध्यान से देखेंगे, चतुर्थ अनुसूची में इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। बहुत ईजी है, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, पहले हमने पढ़ा भारत संघ है, दूसरे में आपने पढ़ा कि इस प्रकार से वेतन एवं भत्ते विभिन्न भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनको वेतन एवं भत्तों का उनको द्वितीय अनुसूची में बताया गया है कि इस प्रकार से उनकी वेतन एवं भत्ते मिलेंगे। तृतीय में है शपथ किस प्रकार से करेंगे और चतुर्थ में है इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है, मतलब जितने भी राज्य हैं और संघीय क्षेत्र हैं उसमें चतुर्थ अनुसूची में दी गई है कि किस प्रकार से वो राज्यसभा में उनको कितनी सीटें आरक्षित है, वो कितनी सीटें लेके बैठेंगे। अब भाई प्रतिनिधित्व की बात है तो आप जब उस क्षेत्र में आपका किसी भी प्रकार से राज्यसभा में जानते हैं कि जिस प्रकार से अप्रत्यक्ष प्रणाली के रूप में आपका सिलेक्शन होता है, तो आप जब अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से आप आते हैं राज्यसभा में चुनकर आते हैं तो एक तरह से आप प्रतिनिधित्व करते हैं अपने क्षेत्र का। तो जैसे झारखंड हो गया तो झारखंड में आपके 6 राज्यसभा सीट है, तो कहने का मतलब जो भी 6 आपके राज्यसभा सांसद है वो उसमें से क्या करेंगे,
प्रतिनिधित्व करेंगे, अपने जितने भी बातें हैं, समस्याएं हैं उस राज्य से रिलेटेड, उस समस्याओं को वो फ्रंट में लेकर सरकार के सामने, केंद्र सरकार कैबिनेट मंत्री के सामने लाएंगे और संसद के सामने पेश करेंगे कि इन तरीके का समस्याओं का सामना झारखंड में किया जा रहा है। सो इस प्रकार से इसको समाधान किया जा सकता है। तो चतुर्थ अनुसूची आपको बताता है प्रतिनिधित्व राज्यसभा में सीट के आरक्षण से संबंधित है, या सीट के संबंध में संबंधित है, या आप कह सकते हैं बहुत ही आसान शब्दों में, जैसे भी आप समझे। पांचवी अनुसूची, चलिए पांचवी अनुसूची में है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्रों का अर्थ है शेड्यूल्ड एरिया, और अनुसूचित जनजाति इसका अर्थ है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। पांचवी अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों जो भी शेड्यूल्ड एरिया है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जहां पर रहते हैं वहां के प्रशासन और वहां पे कैसे नियंत्रण होगा इसके बारे में उल्लेख किया गया पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची की अगर बात करें तो इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अगर याद करने के लिए बोले तो इसको एटीएम स्क्वायर कर सकते हैं, ट्रिक एटीएम, असम, त्रिपुरा, उसके बाद में है मिजोरम एंड मेघालय। इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, मतलब इसको अगर फुल रिविजन अगर करें फटाफट बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहले में भारत संघीय राज्य है, ठीक है, दूसरा उसमें वेतन एवं भत्ते, तीसरा आप ध्यान देंगे तीसरा आपका क्या है शपथ ग्रहण, चतुर्थ में आपका क्या है इसमें राज्यसभा का सीट से संबंधित है, पांचवी में आपका क्या है जो शेड्यूल्ड एरिया है और एसटी एरिया है उसमें प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, छठा में क्या है आपका एटीएम स्क्वायर है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम इसमें जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में, तो पंचम और षष्ठम आप याद रखेंगे कि पांचवी और छठी अनुसूची, फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल आपका है प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, वो शेड्यूल्ड एरिया पांचवा वाले को आप मान सकते हैं शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स एरिया दोनों के लिए कह रहा है, और छठी अनुसूची में आपको स्पेसिफाई कर देता है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। तो पांचवी और छठी को एक ही मान सकते हैं, एक ही जैसा मान सकते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस ये है कि षष्ठी वाले में स्पेसिफाई किया हुआ है कि वो एटीएम स्क्वायर है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है, जबकि पांचवी अनुसूची कहता है इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। तो इसमें जब ऐसा लिखा हुआ किसी राज्य का विशेष उल्लेख नहीं है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि पूरे भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष में लागू किया जा सकता है कि शेड्यूल एरिया जितने भी आते होंगे, शेड्यूल ट्राइब्स जितने भी आते होंगे। चलिए आगे चलते हैं, सातवीं अनुसूची, सेवन शेड्यूल, ये तो समझिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सातवीं अनुसूची सेवन शेड्यूल को याद करना है, इसमें केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है, इसके अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, एकदम याद कर लेंगे और आप लोगों को पता भी होगा कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी बातें आपको नया सीखने को मिलेगा। जैसे देखिए आप, इसमें मैंने फॉर्मूला ट्रिक बनाया हुआ है कि संघ, राज्य और समवर्ती, इसको आप याद करने के लिए कि इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, बहुत ही आसान है, पहले 97, 66 और 47 थे, बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं कि पहले संघ में 97 सब्जेक्ट थे, राज्य में 66 और समवर्ती में 47, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि +3, -5 और +5, ये इसी में से प्लस करेंगे, 97 में +3 करेंगे तो वर्तमान में निकल जाएगा, 66 में +5, -5 करेंगे ये वर्तमान में निकलेगा, और 47 में से +5 करेंगे तो ये इनका निकल जाएगा। तो देखिए वर्तमान में अभी संघ में 100 सब्जेक्ट है, राज्य में 61 सब्जेक्ट है और समवर्ती में 52 सब्जेक्ट, कैसे मिला ये 97 में +3 किए, 100 ये 66 में से -5 की। तो यार आपको केवल कुछ नहीं रखना, केवल आपको याद रखना कि पहले 97, 66 और 47 था, +3, -5, +5, ठीक है। अब इसको -5, +5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, -+5, -3, ठीक है, पहले इसका यूज करेंगे उसके बाद इसका यूज करेंगे। और संघ, राज्य, समवर्ती, ये तो आप जान रहे हैं कि पहले संघ आएगा, उसके बाद संघ सूची, उसके बाद राज्य सूची, उसके बाद समवर्ती। मैं कहने का तात्पर्य है पहले संघ को पढ़ लेते हैं, संघ को, संघ सूची में संघ के क्षेत्राधिकार आते हैं जिसमें वो कानून बना सकते हैं, राज्य सूची में राज्य के क्षेत्राधिकार आते हैं जिसमें राज्य कानून बना सकते हैं, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार जिसमें कानून बना सकते हैं। तो इसको आप सीरियल में याद रखेंगे कि संघ, राज्य, समवर्ती, पहले संघ उसके बाद राज्य उसके बाद दोनों के लिए। तो उसके लिए 97, 66 और 47, पहले 97 सब्जेक्ट, फिर 66 सब्जेक्ट, फिर 47 सब्जेक्ट, ठीक है, उसमें से प्लस करके ये आप निकाल लेंगे, बहुत इजी फॉर्मूला है।
चलिए आगे चलते हैं। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 100 विषय है। आगे चलते हैं, देखिए राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्र हित में से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ये राज्य सूची में आप ध्यान देंगे कि इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 सब्जेक्ट थे, वर्तमान समय में राज्य सूची में 61 विषय है। 66 में से 5 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, 61 विषय है। चलिए आगे चलते हैं, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि समवर्ती सूची वो सूची है जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, इसमें दोनों का ही क्षेत्राधिकार समान रूप से रहता है। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु अगर कानून का विषय समान होने की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून की मान्यता होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं समझा देना चाहूंगा कि कहता है कि इस पॉइंट पर क्या है सबसे महत्वपूर्ण उल्लेख, उसको मैं बताता हूँ। जैसे आपका केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है, ठीक है, लेकिन जैसे ही ऐसा हुआ कि राज्य सरकार ने कानून बना लिया, उसके बाद में केंद्र सरकार भी सेम सब्जेक्ट पर अगर कानून अगर बना देती है, तो आप समझिए कि जो राज्य है, राज्य का बनाया हुआ कानून ऑटोमेटिकली स्वतः कह सकते हैं कि वो निरस्त मानी जाएगी, चूंकि सेम सब्जेक्ट पे ऑलरेडी उसके ऊपर कानून बनाया जा चुका है। जो कि जब सेंट्रल कानून बनाती है तो पूरे के पूरे सभी राज्यों में इंप्लीमेंटेशन की बात होती है। तो अगर कुछ राज्य अगर बना चुके हैं सेम सब्जेक्ट पर, वो खत्म हो जाएगा, अब सेंट्रल की बात आपको माननी पड़ेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। ये प्रश्न घुमा के आपका यूपीएससी में भी पूछ सकता है। नोट, राज्य सरकार द्वारा समान विषय पर बनाया गया कानून केंद्र सरकार द्वारा अगर उसी विषय पर कानून बनाया गया हो, इस स्थिति में राज्य सरकार का कानून समाप्त और निरस्त हो जाता है, ठीक है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, वही सेम बातें यहां पर लिखी हुई। आठवीं अनुसूची, एड शेड्यूल के बारे में देखते हैं। आठवीं अनुसूची, एड शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, ये भी आप जानते होंगे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषा एक प्रश्न का आंसर होगी। दूसरी होगी कि मूल रूप से आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, ये भी एक प्रश्न का आंसर होगा। दूसरा, 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधी भाषा को भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची में कब शामिल किया गया, 1967 ईस्वी 1967 में किया गया। उसके बाद में 1992 में नेपाली मणिपुरी तथा कोंकणी नमक, आप याद रखिए नमक, NMK नमक, नेपाली मणिपुरी कोंकणी। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि एम से तो और भी होता है, जैसे कि आप अगर एम की ही अगर बात करें, जैसे मणिपुरी आपका, जैसे लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, तो मिजोरम या मेघालय भी ले लेंगे नमक याद करके, नहीं आप मणि याद रखेंगे, नेपाली मणिपुरी तथा कोंकणी दोनों में देखिए ना है, तो ये आप याद करेंगे कोंकणी वाले जो अण है वही ना आना चाहिए। तो नेपाली मणिपुरी तथा कोंकणी ठीक है, ये ठीक है 1992, ये महत्वपूर्ण है कि कब जोड़ा गया नेपाली मणिपुरी तथा कोंकणी को। तो अब देखिए 14 भाषाएं थी, 1967 में एक भाषा ऐड हुआ, 14-15 हुआ, 1992 में नेपाली मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा एडिशन हुआ, तो ये 15-3-18 हो चुके हैं, 1992 तक 18 हो गए, 1967 में 15 भाषाएं हो चुकी थी। तो प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए कि 14 भाषाएं तो थी लेकिन 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को कब जोड़ा गया, तो 1967 में। और अगर कहें कि संविधान में ऐसा कब समय आया जब संविधान की आठवीं अनुसूची में, संविधान की अनुसूची आठवीं अनुसूची में 18 भाषा कब थी, तो 1992 तक के बाद, 1992 में नेपाली मणिपुरी तथा कोंकणी जुड़ने के बाद 18 भाषाएं हो गई थी। अब चलते हैं 2004 में, इसके लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला मैंने बनाया हुआ BDMA से, बोडो डोगरी मैथिली और संथाली मैथिली बिहार के लिए, डोगरी बोडो डोगरी मैथिली और संथाली, ये आप याद रखेंगे, ये चार भाषाएं 2004 में ऐड की गई, बोडो डोगरी मैथिली एवं संथाली BDMS। तो आपको मूल रूप से यहाँ पर क्या याद करना है, 1967, 1992 और 2004। 1967 में आपकी सिंधी भाषा ऐड की गई है, 1992 में आपकी नेपाली मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा ऐड की गई है, उसके बाद में 2004 में बहुत इंपॉर्टेंट है बोडो डोगरी मैथिली और संथाली। इसमें से प्रश्न कितने सारे प्रश्न बन जाते हैं, अगर पूछा जाएगा कि डोगरी भाषा को कब ऐड किया गया, तो आपके पास 2004 है, मैथिली भी
2004 संथाली भी, बोडो भी 2004। तो आप ये याद कर लेते हैं, छोटा सा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमेशा प्रश्न उठा लिए जाते हैं। नवीं अनुसूची को समझते हैं, नाइन्थ शेड्यूल संविधान में, यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो 1951 है, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। आप ये बात बिल्कुल याद रखेंगे, संविधान में अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नवीं अनुसूची, उससे पहले 8 तक ही अनुसूची थी, ठीक है, 1951 में एड किया गया। चलिए इसके बारे में खास बातें ध्यान देते हैं। इसके द्वारा यह व्याख्या किया गया है कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख किया गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की बात आपका कहां किया गया है, नवीं अनुसूची में। उसके बाद में नवीं अनुसूची में संबंधित विषयों को न्यायालय कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी अनुसूची में दिए गए सब्जेक्ट है या अनुसूची है जिसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो नवीं अनुसूची है। उसके बाद में वर्तमान में नवीं अनुसूची में 284 अधिनियम एक्ट बनाए जा चुके हैं। नवीं अनुसूची से संबंधित एक खास बात है जिसे मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगा, अब तक मान्यता थी कि नवीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, जैसा कि ऊपर में दिया हुआ है। नवीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन अब यहाँ पर अपवाद देखिए, अब तक मान्यता थी कि नवीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन 11 जनवरी 2007 में संविधान पीठ के निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि मौलिक अधिकार उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह समीक्षा की जा सकती है। 10वीं अनुसूची को देखेंगे, 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल में क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यह संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई है, इसमें दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। थोड़ा सा चर्चा इस पे कर लेते हैं। यह 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई है, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको सब्जेक्ट याद रखना है कि क्या इसमें विषय दिया गया है, क्या इसमें संबंधित क्या तथ्य इसमें छिपे हुए हैं, इसको आपको ध्यान देना है। दल बदल से संबंधित, देखिए मैं सभी पीपल को मैं फिर से रिविजन करा दे रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए। पहले वाले में भारत संघ क्षेत्र है, जिसमें आपके जितने भी राज्य और संघ शासित क्षेत्र आते हैं, ये आप समझते रहिए, ठीक है, ये बहुत ही आसान भाषा में है कि केवल भारत एक संघ है। दूसरे में आपका क्या है, वेतन एवं भत्ते है। तीसरे में आपका क्या है, शपथ ग्रहण है। चतुर्थ में आपका क्या है, सीट से संबंधित है, राज्यसभा सीट से। पंचम में क्या है, जो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल ट्राइब्स के एरिया है, उसमें प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। छठा में क्या है, बहुत ध्यान से देख रहे होंगे कि छठा में आपका वही सेम चीज है जिसमें कि आपका एटीएम स्क्वायर का फॉर्मूला था, आप याद कर रहे होंगे। असम, त्रिपुरा, मेघालय और क्या था, मिजोरम। अब ध्यान देंगे कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है, तो ये जो एरिया है, इन्हीं एरिया के बारे में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में कही गई है। उसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट सप्तम में क्या है, वही आपकी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में लिखे। अष्टम में आपका क्या है, भाषा से संबंधित है, जो 22 भाषाएं हैं वो किस रूप से वर्तमान समय तक 22 भाषा के रूप में आई। शुरू में आपके जैसे शुरू में आपके 14 भाषाएं थी, फिर 1967 में आपकी सिंधी भाषा जुड़ी गई, फिर 1992 में आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई, जिसको आप याद करने के लिए नमक का फॉर्मूला यूज करते हैं। नमक न से नेपाली, म से मणिपुरी और कोंकणी, तो नमक के फॉर्मूला का यूज करके आप नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी आपने ले लिया, तो आपके पास कितने हो गए, 1967 में 1 और ये 3 मिला के आपके पास 15, 3 18 हो गए, 4 जोड़े गए 2004 में, जिसको कि आप लेते हैं क्या फॉर्मूला से, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इस तरीके से आपका ये क्लियर हो जाता है। 8 तक, 9 से 2 में आपका क्या है, 9 से 2 ऐसा है जिसमें कि उस संपत्ति से रिलेटेड चीजें दी गई है जो राज्य को केवल विशेष अधिकार है नियम बनाने के लिए, और उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन एक ऐसा केस आ गया था जिसमें 11 जनवरी 2007 को संविधान की पीठ ने निर्णय द्वारा यह स्थापित किया था कि मौलिक अधिकार के सब्जेक्ट में, मौलिक अधिकार की जब बात आएगी तब सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो इस तरीके से मैं रिविजन करा दिया हूँ। अब 10वीं अनुसूची को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 10वीं अनुसूची को याद करने का सबसे आसान फॉर्मूला यह है कि दल बदल याद रखेंगे कि कोई भी पार्टी जिस पार्टी से जीत कर उस पार्टी में विधानसभा सदस्य अथवा किसी में भी केंद्र में भी जिस पार्टी से जीत कर वो उस पार्टी के लिए काम करने के लिए, वो तो प्रधायी होता है भाई, मान लीजिए बीजेपी से कोई जीत के आया विधानसभा में और विधायक बन गया, अब उसको मान लिया नहीं मैं किसी दूसरे को समर्थन कर दूंगा जिस पार्टी, तो ये क्या होगा, विश्वासघात की बात हो जाएगी, क्योंकि जो लोगों का चेहरा है आपके समक्ष वो उस जैसे कमल छाप को देखे अगर दिया है, बीजेपी की बात हो रही तो कमल छाप देके दिया है। और अगर बात होती है कि अगर किसी ने
छाप का यूज किया कांग्रेस में, बिहार वो बाद में बीजेपी हो जाती, तो इस तरीके का फेरबदल में, दल बदल जब की स्थिति आती है तो आप समझिए कि 10वीं अनुसूची को आपको 10 शेड्यूल का आपको झेलना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा कि इसमें आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जो भी विधायक होंगे और इस दल बदल के नियम का उल्लंघन करेंगे वो 10 शेड्यूल के अनुसार क्या होंगे, दोषी होंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि शेड्यूल क्या बताता है, एक आपको दायरा बताता है, नियम कानून बनाने का एक दायरा बताता है कि किसमें क्या चीज जाएगा संविधान में, ठीक है। यह संविधान के 52वीं, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यह कब जोड़ा गया, यह संविधान के 52वीं संविधान संशोधन अधिनियम 52 आप एकदम याद रखेंगे कि ये कब जोड़ा गया, 1985 में 52वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, बिल्कुल क्लियर है। 11वीं अनुसूची को आप देखेंगे ध्यान से, 11 शेड्यूल में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 11 शेड्यूल, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसको एकदम इजीली याद करेंगे, 10, 11 और 12, 10 में आपका दल बदल, 11वीं अनुसूची में आपका क्या है पंचायती राज व्यवस्था, और 12वीं में आप याद करेंगे नगर पालिका से संबंधित है, नगरीय प्रशासन से संबंधित है। तो चलिए आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, यह अनुसूची संविधान में 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही है, जब भी एग्जाम का लेवल बदलते जाएगा तो इसमें आपको यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं कि 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया, ये 52वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को शामिल कर लिया गया 1950 से पहले। आप यही समझ सकते हैं कि 1985 से पहले, 1985 से पहले 1985 से पूर्व में केवल 9वीं अनुसूची थी, क्योंकि आपके प्रथम संविधान संशोधन में आपकी जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची 1951 में, उसके बाद में 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ठीक है। उसके बाद में जो 11वीं अनुसूची है वो 1993 में जोड़ी गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया, तो 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1993, जब 73वीं संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, तब यह अनुसूची 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, उससे पहले ये अनुसूची नहीं थी। यह अनुसूची संविधान में 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इसमें आप याद रखेंगे कि प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं इस संशोधन के द्वारा, तो आप याद रखेंगे 29 विषय प्रदान किए गए हैं। अब चलिए चलते हैं 12वीं अनुसूची में, 12th शेड्यूल में, 12वीं अनुसूची 12th शेड्यूल में देखते हैं क्या। यह अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ी गई। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 12वीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया, तब तो आप समझिए कि 11वीं और 12वीं का दोनों का ही सेम है, 1993 में ही 11वीं और 12वीं दोनों ही जोड़ा गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि संविधान संशोधन की बात अगर करें तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन, ठीक है, और 12वीं अनुसूची की अगर बात की जाए तो वो 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि उसमें 11वीं अनुसूची में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें 29 विषय प्रदान किए गए, जिसमें कि क्या है इस 29 विषय पर नियम कानून बन सकते हैं, 29 विषय के दायरे में रहकर ही पूरी की पूरी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए भारतवर्ष में। और वही 12वीं अनुसूची की अगर बात है तो 18 विषय ऐसे हैं जिसे नगर पालिका और स्थानीय स्वशासन जो शहरी क्षेत्र है उससे संबंधित 18 विषय पर कानून बनाए जा सकते हैं। तो 29 और 18 आप यहाँ याद रखेंगे। 10वीं अनुसूची जैसे मैं पहले बता चुका हूँ दल बदल, तो 10वीं 11वीं और 12वीं बहुत ही ईजी है। 10वीं में आप रिविजन करेंगे, 10वीं में आपका दल बदल, 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, और 12वीं में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की बात की जा रही है जिसमें नगर पालिकाएं आ जाएंगी। तो ये 12वीं में नगर पालिकाएं, 11वीं में स्थानीय स्वशासन वो भी ग्रामीण क्षेत्र का, तो वो भी क्या आ जाएगा पंचायती राज व्यवस्था, और 10वीं में दल बदल, और उससे पहले मैं आपको रिविजन में करा चुका हूं। तो बहुत ही ईजी है, इसको आप एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनते हैं और हमेशा एग्जाम में पूछ लिए।